राष्ट्रीय हिंदी दैनिक धर्ममित्र श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। यूपी चुनाव 2022 को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बड़ी घोषणा, सरकार बनने पर आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को देंगे रोजगार। नए भारत का सपना जिलों और गांवों से ही होगा पूरा, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी जिलाधिकारियों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से सीख लेने की दी सलाह। कोरोना संक्रमण तथा ठंड के कारण उत्तर प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान अब 30 तक रहेंगे बंद। पूर्व क्रिकेटर स्पिनर इमरान ताहिर का बड़ा बयान, दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई टीम इंडिया। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में तीसरा मोर्चा, असदुद्दीन ओवैसी के साथ आए बाबू सिंह कुशवाहा। अलीगढ़ में सीएम योगी ने कहा, सतर्कता से ही होगी जीत हासिल, कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक नहीं। जम्मू व कश्मीर में बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी, कल भी यूं ही बने रहेंगे मौसम के मिजाज। जम्मू में लागू हुआ वीकेंड प्रतिबंध, गैर जरूरी सभी दुकानें बंद, अनाज मंडी में रहा सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन। शोपियां मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी। मथुरा दिल्ली के बीच रेल यातायात पूरी तरह से बाधित, कुछ ट्रेनें रद्द हुई तो कुछ के बदले रूट। चार्टर्ड बैंक से इस्तीफा देकर बने सैनिकों के मददगार, डक डाउन फैदर देने वाले पहले भारतीय हैं कानपुर के श्याम। पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को गति देने के लिए दिल्ली समेत अन्य राज्यों की दी जाएगी रैंकिंग। अलीगढ़ के चुनावी रण में वर्चुअल वॉर के लिए तैयार हुए महारथी, उम्मीदवारों ने प्रचार के लिए तैयार किए डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया पर छाए कोरोना के काले बादल, वैश्विक मामले 34.58 करोड़ से ज्यादा। यूएन चीफ की अमेरिका चीन के बीच तनाव कम करने की अपील, कहा व्यापार व तकनीक पर करें वार्ता। हांगकांग में विधान परिषद चुनाव पर ड्रैगन की कड़ी आलोचना, अमेरिका ब्रिटेन ने कहा उड़ाया लोकतंत्र का मजाक। गोवा में दल बदलू नेताओं का रिकॉर्ड, पिछले 5 वर्षों में 60% से अधिक विधायकों ने बदली पार्टी। मई में हो सकती है क्वाड की बैठक, चीन पर नकेल कसने के लिए जुटेंगे दुनिया के दिग्गज। कोरोना को लेकर बदले नियम, अब कोरोना संक्रमित पाए जाने के 3 महीने बाद ही लगाया जाएगा टीका। मुंबई के तारदेव इलाके में 20 मंजिला इमारत में आग लगने से 7 लोगों की हुई मौत, पीएमओ महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान। गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना की झांकी में दिखेंगी 1946 के नौसैनिक विद्रोह की झलकियां, महिला अधिकारी करेंगे मार्चिंग दल का नेतृत्व। 10 दिनों से अंडमान सागर में फंसे थे म्यांमार के 10 मछुआरे, कोस्ट गार्ड ने बचाई जान। अवैध शराब से लगातार हो रही मौतों को लेकर चिराग पासवान ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों ने 2 मोबाइल टावर उड़ाए, कमांडर की मौत पर 1 सप्ताह का कर रहे प्रतिरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह समेत करीब 2 दर्जन कार्यकर्ताओं पर FIR, पूर्व CM बोले हमने नहीं किया कोई अपराध।